शेर खान में किस स्टार के एंट्री से फिल्म 300 करोड़ी बन गई? भारत इमोशनल फिल्म क्यों नहीं है? सलमान खान को अपनी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? सूरज बड़जातिया को क्यों लगता था कि सलमान में हीरो वाली बात नहीं है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। सलमान खान के छोटे भाई सुहेल खान जल्द ही फिल्म शेर खान की स्क्रिप्ट पूरी करने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान लीड रोल प्ले कर रहे हैं। बीते दिनों ही सलमान ने खुद इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था। और हाँ, दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में कपिल शर्मा भी नजर आएंगे। दरअसल एक शो के दौरान सुहेल खान ने कपिल शर्मा से वादा किया था कि वो अपनी अगली फिल्म में आपको लेंगे। अब जाकर के सुहेल खान का कहना है कि मैं कपिल शर्मा को अपनी फिल्म शेर खान में साइन करने जा रहा हूं। लेकिन काफी टाइम से शेर खान के बारे में कोई चर्चा नहीं था। ऐसा माना जा रहा था कि इस फिल्म का आइडिया सुहेल खान ने ड्रॉप कर दिया है, लेकिन एक बार फिर शेर खान की फिल्म की चर्चा जोरों पर है। फिल्म भारत की रिलीज को चंद दिन ही बाकी है और फिल्म के प्रमोशन को लेकर सलमान खान और फिल्म के स्टार कास्ट काफी बिजी नजर आ रही। फिल्म के प्रमोशन के दौरान सलमान खान अपनी फिल्मों से जुड़े हुए कई खुलासे कर रहे हैं। सलमान खान ने अपनी फिल्म भारत का प्रमोशन शुरू कर दिया। पहले बात चल रही थी कि वो लिमिटेड प्रमोशन करेंगे, लेकिन सूत्रों की माने तो वो अभी तक फिल्म को लेकर मिली प्रतिक्रिया से खुश नहीं है। सलमान कहते हैं, मेरी एक इमोशनल फिल्म ईद पर रिलीज हुई थी और नहीं चली, पर यह फिल्म इमोशनल नहीं है बल्कि मनोरंजक है। मुझे आशा है कि ये दर्शकों को अच्छी लगेगी। बजट के बारे में बात करते हुए भूषण ने कहा कि फिल्म बिग बजट तो है, लेकिन सलमान की फिल्म की रिकवरी रिलीज के पहले ही हो जाती है। लेकिन फिर भी सलमान चिंतित है और उन्होंने डायरेक्टर अली अब्बास को मजाकिया तौर पर कहा था कि ध्यान रखना कि फिल्म की रिलीज के बाद मेरे बहनोई यानी कि अतुल अग्निहोत्री का घर न उजड़ जाए। बहरहाल ऐसा माना जा रहा है कि सलमान खान की फिल्म भारत बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 1000 करोड़ का बिजनेस करेगी। सलमान खान और फराह खान की दोस्ती बॉलीवुड में आज से नहीं है बल्कि सालों पुरानी है। अब फराह खान ने कपिल शर्मा के शो के एक एपिसोड में पुरानी बातों को याद करते हुए पिटारा खोला और उस पिटारे से निकली सलमान खान की डेब्यू फिल्म बीवी हो तो ऐसी की बात। फराह ने बताया कि शूटिंग शुरू होने से पहले सलमान खान उनके पास आए थे। फराह के पास पहुंचकर सलमान उनसे बैक फ्लिक मारना यानी कि गुलाटी मारना सीखने लगे और 2 घंटे तक इसकी प्रैक्टिस की, तब कहीं जाकर वो फिल्म के मुहूर्त शॉट पर पहुंचे। ये सलमान की डेब्यू फिल्म थी बीवी हो तो ऐसी, जो 1986 में रिलीज हुई। फिल्म में बिंदु सलमान खान की माँ की भूमिका में थी। सलमान खान भी कई बार अपने डेब्यू और संघर्ष के दिनों के बारे में बात कर चुके। एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने बताया था, जब मैं बॉलीवुड में आया तो उस वक्त सन्नी देओल, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त इतने बड़े स्टार थे जितना कि कोई सोच नहीं सकता। मैंने और अक्षय कुमार ने बड़ी मुश्किल से गलतियां कर करके सीख ली है। गौरतलब है कि जीत और साजन सलमान खान की सबसे सफल फिल्मों में से एक है और दोनों ही फिल्मों में सलमान खान सेकेंड लीड रोल में दिखाई दिए थे। सलमान खान की माने तो उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल किया है। ये वो दौर था जब सलमान खान अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे पर कोई उनकी मदद नहीं करता था, उनके पिता सलीम खान भी नहीं। सलमान खान बताते हैं कि फिल्म के हिट फ्लॉप से उस वक्त मुझे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि फिल्में ही नहीं ऑफर होती थी, जो मिल रहा था कर लेते थे। स्क्रिप्ट चुनने का सुनने का कोई ऑप्शन नहीं था। आज 30 साल के बाद वो मौका है कि मैं स्क्रिप्ट तक बदलवा लेता हूँ। सलमान खान का मानना है कि उस दौर के सुपरस्टार्स थे जैकी श्रॉफ, सनी देओल और अनिल कपूर, और कोई भी उनके पिता के पास सुझाव लेने आता था तो वो भी कभी हीरो के लिए सलमान खान का नाम नहीं लेते थे पर इन स्टार का नाम लेते थे। सूरज बड़जातिया ने उन्हें मैंने प्यार किया के लिए साइन किया और इस फिल्म से सलमान खान की जिंदगी बदली। हालांकि इस फिल्म के लिए सलमान खान से पहले अरमान कोहली फाइनल हो चुके थे। मैंने प्यार किया के बाद भी सलमान खान के नाम को कोई भी नहीं सुझाता था। उनकी कदकाठी भी ऐसी नहीं थी कि वो हीरो दिखे। मैंने प्यार किया और अंदाज अपना अपना के बीच करीब सलमान खान ने 12 फिल्में की जिनमें से कुछ हिट थी और कुछ फ्लॉप, और कुछ को देखकर तो आज वाकई लगेगा कि सलमान खान ने ये फिल्में क्यों की थी। हम आपके हैं कौन से सलमान खान असली सुपरस्टार बने थे और उन्होंने बॉलीवुड को बताया कि वो खान है सलमान खान। ये फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से गिनी जाती है। उस दौर में सलमान खान के पास स्क्रिप्ट पढ़कर चुनने का मौका ही नहीं था, जो काम मिला वो कर लेते थे। उनके पिता ने किरदार चुनने में उनकी मदद की पर किसी ने उनके लिए सिफारिश नहीं की। जब सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्मों की लाइन लगा दी और आज आलम यह है कि सलमान खान को वाकई हिट फ्लॉप से कोई फर्क नहीं पड़ता।
और ना ही पड़ेगा। सलमान खान कहते हैं कि मैंने अपने करियर में अभी तक फिल्मों से ब्रेक नहीं लिया है और ना ही कोई छुट्टी ली है। लगातार मैं इतने सालों से अपने फिल्मों के लिए काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक मेरे धमनियों में और जब तक मेरे शरीर में खून दौड़ता रहेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि बॉलीवुड का किंग कौन और बॉलीवुड का सुपरस्टार कौन, यानी कि सलमान खान। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि सलमान खान की फिल्म शेर खान बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का बिजनेस करेगी और आप इस फिल्म का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।